बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा 10 मिनट्स डिजर्ट। जी हाँ, ये 10 मिनट्स कोल्ड डिजर्ट की रेसिपी है, झटपट सी बन जाती है। चले फिर जल्दी जल्दी से रेसिपी को करते स्टार्ट। डिजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर फ्रेश मिल्क लिया, इसको मैं पेन में ऐड करती हूँ। चलिए जी, मिल्क जो है पैन में ऐड हो चुका है, ये फुल बॉयल था तो इसीलिए जो है इसको मुझे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बॉयलिंग आ चुकी थी। तो अब जो है मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसको स्लो हीट पे रखना है और मैं जो हूँ इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और उसको जो है मैंने ऐड कर दिया। और ये मैंने 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर जो है मिल्क ये घोला था और इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लिया। बिल्कुल स्लो हीट पे कुक करना है ताकि कस्टर्ड की महक निकल जाए और कस्टर्ड ना हमारा बहुत अच्छे से कुक हो। स्लो हीट पे आप कुक करते रहिए, थोड़ी देर में ये जो है अच्छा सा थिक हो जाएगा। उसके बाद इसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी रखनी है वो मैं आपको उस वक्त बताऊँगी, क्योंकि ये कुछ अलग सा डिज़र्ट है तो हर चीज़ अलग अलग सी होगी, वो मैं आपको उस वक्त बताती हूँ। कस्टर्ड जो है ये 5 मिनट मैंने इसको स्लो हीट पे पकाती रही, 5 मिनट लगे तब जाके थिक हुआ है। 2 चाय के चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 5 मिनट तो आपको इसको बनाना ही बनाना है ताकि कस्टर्ड की ना महक निकल जाए, कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। कस्टर्ड देखिए इतना थिक हो गया, लेकिन हमने इसमें शुगर ऐड की कंसिस्टेंसी चेक करी, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से थिक हो चुका है। इसमें हमने शुगर ऐड नहीं किया है, तो जैसे ही ये थिक हुआ मैंने इसको फौरन जो है इस वक्त फ्लेम से हटाया है। कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं इसमें सिर्फ 2 टीस्पून, बस सिर्फ 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर देनी है शुगर और इसको अच्छी तरीके से अभी यहाँ पे मिक्स करूँगी। कस्टर्ड बहुत गर्म है, शुगर ऐड होते ही शुगर ने वैसे ही इसमें फ़ौरन से मेल्टिंग इसकी स्टार्ट कर ही देनी है। बस इसको जो है फिर से फ्लेम को करना है, बिल्कुल स्लो पे फ्लेम को रखना है। आपको फ्लेम की उसका बहुत ख्याल रखना है कि स्लो हीट ये सब का बड़ा ख्याल रखना है। और बस जी इसको रखना है और इसको सिर्फ इतनी देर कुक करना है कि शुगर जो है ना इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, क्योंकि शुगर तो वैसे गर्म में फ़ौरन सी होती है। और स्लो को रखना है, फ्लेम को स्लो ही रखना है, स्लो को बताया मैं क्या कह रही हूँ, तो इसको रखना है। और बस जी देखिए थोड़ी देर में अभी शुगर जो है मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो है शुगर मेल्ट हो चुकी है, कस्टर्ड को जो है एक बाउल में जो है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी अच्छी थिकन और कितनी ज़बरदस्त। ये कैमरा वुमेन आके करीब से हमारे कस्टर्ड की आप कंसिस्टेंसी दिखाइए, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म का हमारे यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हुआ है। बस ये फ्लेम का ख्याल रखना है, स्लो बस आपने इतना ध्यान रखना है कि बस सब कुछ ना आपने स्लो फ्लेम में ही इसको जो है कुक वगैरह करना है। और इसको जो है मैं बॉल में निकाल के इसको पहले मैं ठंडा करने फ्रिज में रखूँगी। जब ये ठंडा होगा ना फिर बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होगी वो मैं उस वक्त आपको बताऊँगी। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे जो है 1/2 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है और उसको जो क्रीम अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है, इसका वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे कस्टर्ड जो है इसको मैंने बना के ना फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए, तकरीबन 1 आवर मैंने इसको फ्रीज़र में रहने दिया। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कस्टर्ड जम गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल थिक सा कस्टर्ड चाहिए था। अब मैं इसको कस्टर्ड के साथ जो है अगेन इसको व्हिप करूँगी। यहाँ पे चेक करें कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है कस्टर्ड क्रीम रेडी हो चुकी है। और अब क्या करना है कि यहाँ पे सर्विंग बॉल्स ले लेंगे जिसमें मुझे इसको सर्व करना है। बस जी यहाँ पे मैंने जो है बिस्किट ले लिया है जिसका कॉम्बिनेशन चॉकलेट के साथ, अगर आप चाहें तो आप सिंपल वाला भी ऐड करें। इसको बस मिल्क में डीप करना है और इस तरीके से बॉल में ना सेटल कर देना है। बस जी इसको डीप करना है, ये खुद ही थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगा। इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। कस्टर्ड क्रीम रेडी करके रखी हुई है ना, इसको जो है सर्विंग बॉल में ऐड कर दें। साइडों पे जो है इसको डेकोरेट कर लेते हैं बिस्किट से। मजेदार सा टेस्टी सा 10 मिनट्स कोल्ड डिजर्ट तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, चैनल को अगर आपको सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। मैं हूँ मारिया सैयद, अल्लाह।